एक्चुअली आजकल हर बिल्डिंग में हमारे पास वो फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे होते हैं, पर उनको यूज़ करना प्रॉपर, वो उन्होंने बड़ी अच्छा स्टेप वाइज बताया है, सो दैट एक ले मैन, अगर कोई पेशेंट को भी अगर कहीं स्मोक दिखती है या दिखता है कि फायर है, तो पेशेंट्स भी कई यहाँ पर थे, सिर्फ स्टाफ मेम्बर्स नहीं थे, पेशेंट पेशेंट के अटेंडेंट्स जैसे वो भी सायरन की आवाज़ सुन के यहाँ एकत्रित हो गए थे, तो उन्होंने भी स्टेप वाइज देखा, जो कि बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, जस्ट पिन निकालना है और प्रेस करना है, तो वो एटलीस्ट जहाँ पर स्टार्ट हुई है वहीं पे वो ख़त्म हो जाएगी, इनके आने की हो सकता है ज़रूरत भी ना पड़े, पर अगर नहीं वो नियंत्रित होती तो इनको कॉल करना, इन्होंने नंबर्स भी बताए हैं, 112 इज़ द नंबर जिनसे हम इनको। देखिए, एक पूरा कैंपेन चला हुआ है पूरे हरियाणा के अंदर, सभी स्कूल कॉलेज ITIs हॉस्पिटल्स सभी जगह जा जा के एक अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को पता लग सके भाई आग बुझाने के क्या तरीके हैं, फर्स्ट एड हम कैसे दे सकते हैं सेल्फ। जैसे ITI के बच्चे हैं वो आगे जाएंगे, कॉलेज के बड़े बच्चे हैं वो आगे जाएंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि हमें फ़र्स्ट एड हम कैसे दे सकते हैं, अपने आप को और जनता को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि फायर ब्रिगेड को कॉल जाएगी, फायर ब्रिगेड को आने में कुछ समय लग सकता है, तो उस समय के बीच का जो आपका समय होता है उसको आप यूटिलाइज़ कर लें, जो औद्योगिक क्षेत्रों में बिल्डिंगों में हॉस्पिटल्स में जो सिस्टम लगा होता है उसको खुद ऑपरेट करें ताकि अपनी जान बचा सकें।